तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो दो दिन की ऑफलाइन राइड के बाद आज आ गए हम फील्ड में, और फील्ड में अभी हूँ सेक्टर 105। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, डिवाइस मैंने रात में ऑफलाइन बुकिंग जो लेके आया था वो 3:30 बज गए थे, सुबह में ही आया था, मतलब 3:30 बजे। तो फिर मैं थोड़ा लेट ही निकला हूँ, तो डिवाइस मैंने ऑन किया 2 बजे, मेरे को एक राइड आई सेक्टर 142 की। अच्छा हाँ, नोएडा सेक्टर 142। तो यहाँ से राइड थी हमारे 42 किलोमीटर की, और इसने मेरे को दिया 388 रुपये। मतलब काफ़ी दिनों बाद एक राइड वो करी है मारी है उबर में, तो आते ही पहले ही मूड ख़राब कर दिया। 10 रुपये किलोमीटर भी इसने नहीं दिया, हालांकि 120 रुपये यूपी टोल दे दिया, तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखने में काम आएगा, नहीं तो दिमाग ऐसा बिन बिना है। मगर यार क्या, पहली बुकिंग 250 उसमें भी 10 रुपये किलोमीटर नहीं दिया, तो ओला उबर ने फिर से अपना वही धंधा शुरू कर दिया भाई कि 8-7 रुपये किलोमीटर वाला। लेकिन ये गलत है यार, क्या बताएं, इतने में तो कुछ भी नहीं होता। CNG के रेट और बढ़ गए हैं और ये कम करने लग रहे हैं, तो पता नहीं क्या करके रहेंगे ये। चलो देखते हैं अब कितने की अर्निंग होगी, कैसे होगी, कहाँ से कहाँ जाना होगा। बारिश हो चुकी है, अब जबकि बारिश में जाम लगा फिर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, ऊबर तो कह रहे भाई साहब कि भैया ठंडी का मज़ा ले रहे हो, थोड़ा पैसे कम करो। चलो अब देखते हैं, बताते हैं दिन भर कब तक काम करेंगे, कोशिश करेंगे देर रात तक काम करने की, और पूरी अपडेट आपको मिलेगी। और जिसने नहीं देखा, हमारा जो 30 डे चैलेंज है वो पूरा हो चुकी है, और उसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो गाइस अभी समय हो चुका है 4:26, और हम खड़े हैं यहाँ पे सेक्टर कौन सा, सेक्टर 88 में एक रेंटल बुकिंग लेके, सेक्टर 88 एक रेंटल बुकिंग चल रही है हमारी जो थी ओला में। और ये समय तो दिखा रहा, इसका मतलब घंटे की दिखा रहा था ये, एक घंटे की, लेकिन देखो अब कितनी, 1 घंटा 10 किलोमीटर की दिखा रहा था, बाकी 6 किलोमीटर तो 6.5। तो गाइस राइड होगी कंप्लीट, किलोमीटर चला 14.2, और जिसका मेरे को दिया इन्हें 235 रुपये, कस्टमर का बिल आया 329 रुपये, और 1 घंटा 1 मिनट का इसमें समय लगा। 235 रुपये में 1 घंटा, मतलब इसने हमने कमाए 1 घंटे में 235 रुपये। हालांकि 14 किलोमीटर चला ठीक है मीडियम है, लेकिन समय बर्बादी हुई है, घाटे का सौदा है। इतनी देर में कोई लंबी सी बुकिंग आ जाती तो सही पड़ जाता, ठीक है गाड़ी भी तो कम चली है। तो अभी करते हैं डिवाइस ऑन दोनों में, देखते हैं कहाँ की मिलती है। समय हो चुका है 5:15, जैसे कि ड्यूटी का टाइम हो चुका है, अब जा स्टार्ट, देखते हैं कोई अच्छी सी बुकिंग मिल जाए फिर। तो गाइस आपने देखा पहले मैं था नोएडा, नोएडा से मेरे को एक राइड आई, एक्चुअली पहले तो एक राइड आई मेरे को आउट स्टेशन जो वहाँ से थी बुलंदशहर की। अब देख सकते हैं इसमें किलोमीटर दिखा रहा था 55, और फेर दिखा रहा था 1900 रुपये के आसपास। यह मैंने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत बाद यह कस्टमर ने कैंसिल कर दी। तो फिर मैं वहाँ से, मेरे को एक राइड आई जो थी गुड़गांव सेक्टर 82, राइड थी 70 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 787 रुपये, और 180 रुपये टोल, 100 रुपये दिल्ली का और 80 रुपये ये मानेसर टोल। अब ये देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी, अभी गाड़ी में हो चुके CNG ख़त्म, और चलते हैं CNG डलवाते पहले यहाँ पे, क्योंकि वो मानेसर टोल के पास ही है CNG डलवा के फिर देखेंगे कहाँ से राइड मिलेगी। और अभी समय हो चुका है 9 बज गए, बाकी बोला था देर रात तक काम करेंगे, क्योंकि काम भैया हुआ ही नहीं कोई का। अब ये 2 राइड कतेक हुई जाए इसमें, 1100 रुपये के आसपास इसमें, 1175 रुपये का ऊबर में हुआ है, और वह 200-300 रुपये की राइड हुआ, 200-250 रुपये की ओला में हो रखी है बस, बाकी देखते हैं पहले CNG डलवाते हैं। तो गाइस घर आ चुका हूँ मैं, आपने देखा मैं था मानेश्वर के पास सेक्टर 82, वहाँ से मेरे को एक राइड आ जाती है उबर में जो थी राजीव चौक दिल्ली,
सीपी की, कर्नाट प्लेस की, और राइड थी 42 किलोमीटर की जिसका मेरे को दिया 444 रुपये और 100 रुपये एमसीडी टोल। तो जैसे ही मैं सीपी पहुंचा, सीपी से फिर मेरे को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक राइड आई जो मेरे घर के लोकेशन की थी। राइड थी 22 किलोमीटर की और इसने दिया मेरे को 293 रुपये। ये राइड ओला में थी। 47 मिनट इसको छोड़ने में लगा। अभी करेक्ट समय हो चुका है 5 बज गए और अगर काम की बात करी जाए तो हमारा 529 रुपये का तो हुआ ओला में, और ऊबर में हुआ है 1617 और 320 रुपये का टोल है, तो टोटल अर्निंग हुई 2466 रुपये। और घंटे लगे, जैसे कि 2 बजे डिवाइस ऑन किया था तो घंटे लगे हमारे को 10, तो 10 घंटे में 2466, मतलब एक कस्टमर ने 30 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा दे दिए थे, वही 2500 रुपये के समथिंग मान के चलो। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें बताऊँ सीएनजी कितनी की लगी हमारी, तो सीएनजी तकरीबन हमारी इसमें लगी, एक्चुअली सीएनजी ज़्यादा लगी है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चल रही है, किलोमीटर कम दे रहा है, तो सीएनजी लगी तकरीबन हमारी 800 रुपये की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय बाय बाय।